नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ एफटी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं झांसी की खबर। झांसी में हरियाणा से अंग्रेजी शराब की उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार में तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ एसटीएफ लखनऊ व सीपरी बाजार थाना पुलिस ने किया। एसटीएफ ने सीपरी बाजार क्षेत्र में बने एक गोदाम से लगभग 2500 पेटी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि यूपी एसटीएफ को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार आदि राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है। इस गोरख धंधे की तरह तक जाने में जुटी टीम को खबर मिली कि इन कारोबारियों ने झांसी के सिमरदा बांध इलाके में एक गोदाम किराए पर ले रखा है। यह गोदाम झाड़ू सीमेंट आदि के नाम पर लिया गया है। हरियाणा से ट्रकों में शराब लाकर गोदाम में उतारी जाती है और बाद में इसे दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। इसका मास्टरमाइंड कौन है, सबसे लोग काम कर रहे हैं? कृपा शंकर निषाद नाम का व्यक्ति जो है, इसने एक फर्जी कंपनी बना करके झाड़ू के नाम के व्यापार की कंपनी बना करके और उसकी जगह पर शराब का शराब मंगाता था और उसको खपाने का काम करता था। लगभग झांसी में कब से कर रहे थे ये लोग ये काम? ये विवेचना का पार्ट है, इसमें जानकारी की जा रही है, पर लगभग 6 महीने तो संज्ञान में आया है। निश्चित रूप से ये केवल 5 व्यक्तियों का कार्य नहीं है, इसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल पाए जाएंगे, इनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की है। क्या ब्रांड के अलावा और कोई खराब है इसमें? ब्रांडेड शराब है क्या हरियाणा? इसमें ब्रांडेड शराब भी है। बहुत अंतर है, उतर के और इधर में टैक्स में बहुत अंतर है, रेट में।